Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Hello, 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 hello. अरे लोग हमारे बैंड मेंबर्स का है हाँ पता नहीं ओ भाई हेलो एक्सक्यूज मी बस बस अरे ये कौन सा रॉक हो रहा है भाई हमारे बैंड मेंबर्स का है बैंड मेंबर्स जी बैड मेंबर्स कही उन्हें एनर्जी थी नहीं बिल्कुल हमने हमेशा के लिए लेटा दिया उन्हें आप कौन है परी हूँ मैं परी 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 हूँ मैं न छूना परी हूँ मैं परी तो आई पहाड़ों के अंजान यहाँ पे ना तुम भी प्लेयर हो इस बैंड की मैं यो गले मिला करते और मैं ट्रम्पेट बजाती हूँ मैं बजाती कैसे बजाती ये मुझे तो देखकर आप समझ ही गए होंगे आई एम द ड्रामिस्ट हां जी ये लेकिन डिपेंड करता है इसने खाया क्या है क्योंकि राजमा चावल की अपनी बीट होती है आलू गोभी की अपनी बीट होती है शी इज राइट और जिस दिन मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ ना उस दिन सारे रिदम पे पानी फिर जाता है चलो कब तक बातें करते रहोगे परफॉर्म कर लो चलो ठीक है चलो 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 बात ये है कि हमारे बैंड में हमें सिर्फ एक नए मेंबर की जरूरत है क्या का एक नए मेंबर की जरूरत है सिर्फ एक एक आप तीन हैं तो अभी आप फैसला कर लीजिए कि तो फिर इसमें क्या है एक चीज होती है एल ये एक ये लगी ठीक है इधर एक एक हो गई चलो चलो हाय मेरे पीछा कर रहा है ये पागल सा लोग झगड़ा मत कीजिए किसी कुछ आता है सही में कि आप आम पेटी बजाएंगे और आप लोबिया हमको लो अभी अभी परफॉर्म करके बताते हैं चल जी चल जी चल फटाफट शुरू हो जा मामा गाना बजा दे हवन झुंड मस्त हो का झुंड ओए हवन झुंड मस्त हो का झुंड ओए हवन झुंड मस्त हो का झुंड सुन सारी रात जब ऐसी रात रख दिल पे हाथ हम साथ साथ बन क्या करेंगे ऐसे कौन निकालता है भाई मैं चलो एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां सर आइए फरहान भाई आप पहली बार आए हैं आज हमारे शो, नए शो में हाँ, आप पहली बार आए हैं जी कैसा लग रहा है आपको हमारा नया वाला ओह बहुत ही बढ़िया बहुत जबरदस्त भाई आपको पता है रॉक ऑन
के प्रोड्यूसर फरहान भाई हैं, रॉक ऑन टू अभी आ रही है उसके भी प्रोड्यूसर हैं। एक्चुअली नॉर्मली जब एक फिल्म कोई हिट होती है उसका सीक्वल फटाफट आ जाता है, सर आपने 8 साल क्यों लगाए? लोगों को पहली वाली बहुत पसंद आई थी जी, काफ़ी बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म, तो हम चाहते थे कि जब उसका दूसरा भाग बनाए तो उसी प्यार के साथ बनाए, उसी इज्जत के साथ बनाए जिस तरह से हमने पहली फिल्म बनाई थी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है बिल्कुल जी। और इसमें एक्चुअली ये म्यूजिकल फिल्म है, तो पहली फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। अब वक्त है रॉक ऑन टू के रॉक ऑन बैंड की एक और सदस्य को यहाँ पे इन्वाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहता हूँ द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड श्रद्धा कपूर। ये तो अभी ऐसे लग रहा है कि सेकंड होम हो गया मेरा ना। ऑफ कोर्स, मैं तो कहता हूँ इधर ही कमरा ले लो, फिल्म हो तो यहीं से निकल जाएगा। अब मेरी बारी है गुरु। जी जी, अब मेरी बारी। हाँ प्लीज। उसने हेलो बोला, मेरे अंदर से टाए करके शेर निकला। मौसम को सुहाना, गुलों को रंगीन बना देती है। मौसम को सुहाना, गुलों को रंगीन बना देती है वो, जब निकलती है घर से दुनिया को हसीन बना देती है। वो जादू आपके चेहरे की हसीन रंगत में, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर स्क्रीन बना देती है। हमारे बारे में बात करो। वेरी नाइस। तो 8 साल पहले आपने डिसाइड किया था आप सीक्वल में काम करेंगी, तो जब फाइनली रॉक ऑन 2 आ रही है तो अप्रोच किसकी तरफ से होता, आपकी तरफ से, इनकी तरफ से? जब मुझे पता चला कि ये बना रहे सीक्वल, तो मैंने रितेश सिद्धवानी जो हमारे प्रोड्यूसर है उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि आपकी कास्टिंग फाइनल हो गई है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि द गर्ल हु हैज टू प्ले द पार्ट, उसे खुद के गाने गाने हैं। तो मेरे फिंगर्स और टूज क्रॉस थे और उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू हियर यू। देन याशा स्टूडियोज में मैं गई और फरहान भी थे वहाँ पे और एक गाने का सेशन हुआ एंड देन अब मैं रॉक ऑन 2 में हूँ। तो जो आपने ऑडिशन में गाया था हम क्या सुन सकते हैं? हम एक फिल्म बनाने फॉक ऑन, अगर आप आपको आपको मतलब एनी। मैंने इंग्लिश गाने गाए थे। इंग्लिश गाने? हाँ जी। ओह रियली, आई वुड लव टू मतलब उसका कहने का मतलब है उसने इंग्लिश गाने, तेरे लिए तो बाउंसर ही है। हाउ डू यू नो माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड मिस्टर सिद्धू? आई नो फॉर श्योर दैट इट इज ब्रिलियंट। यू नो आई वाज मिसिंग फॉर 3 डेज, आई वेंट टू डू मास्टर्स इन इंग्लिश। Oh, it is done in 3 days. Understand each and everything. Can I have, please have the honor to hear the Western song sung by you? इससे पहले कि हम श्रद्धा से इंग्लिश गाना सुने, do we have rights? नहीं? हैं? नहीं गा सकते? तो फिर क्या? कुछ और सुना दो। तो फिर रॉक ऑन का ही गाना सुना। रॉक ऑन का ही सुना दो फिर श्रद्धा। बनता है, बनता है, बनता है। चलो बनता है। तेरी मेरी दिल जरा जरा टूटे तो है, तेरी मेरी दिल जरा जरा रूठे तो है, क्यों ऐसा है ये क्या जाने, क्या दिल को हम पहचाने, क्या हम रहे बस अनजाने, जरा सोचे तू जरा सोचो मैं ये कभी। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। पाजी आपको पता है फरहान है, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये खुद स्टोरी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और अपने एक्टर से गाने भी गवा देते हैं। असल रकम फिर कहाँ खर्च होती है, मतलब जनता जानना चाहती है। मतलब
फिल्म की मार्केटिंग में. फिल्म की मार्केटिंग. फिल्म आप दिल से बनाते हैं जी, इसलिए आप 14 करोड़ टैक्स देते हैं. अच्छा मेरी बात. भैया आपको पता है जावेद अख्तर साहब बहुत ही जहीन उर्दू जो बोलते हैं. अच्छा उनका नाम लेते हैं ना कुछ 3-4 वर्ड तो मेरे भी सही हो ही जाते हैं. बड़ी मज़ेदार सी लैंग्वेज उनकी, बड़ी कमांड है हर भाषा पे. हम सब ने उनको जब भी सुना है बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं. मैं ये सोचता हूँ कि कभी इतने जहीन और इतने समझदार व्यक्ति बचपन में जब आपको डांटते होंगे तो नॉर्मल जो पिता डांटते हैं वैसे डालते होंगे ऐसे कि बरखुरदार आपने जो जरूरत की आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा. जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे लगता था कि वो कहने वाले. मैं कहता था इरशाद. फिर थोड़ी डांट पड़ती थी. मैं कहता वाह वाह. बहुत बढ़िया है. शायर कलाकार लोगों का नहीं बट उनका उनकी डांट में भी कला तो निकल ही आती है. अर्जुन भाजी आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है. कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है और डायरेक्टर ने कहा हो कि हीरोइन आपकी नाभी तक आएगी तो हम फाइनल हो चुकी है. कभी ऐसा हुआ है हाइट की वजह से नुकसान हुआ हो? ये कैसे सोचते हो ये चीज़? अच्छा यू नो हमारे इंडस्ट्री में सारे हीरोइन छोटे ही काफी इतने लंबे नहीं और उनको वो देते हैं क्या बोलते हैं उसको वो चेंज बाटला सब उसी पे खड़े होके हम रोमांस करते थे. यार एक्चुअली कभी-कभी जब शॉट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है. हां वो भी किया है इस तरीके से फ्रेमिंग के लिए. सोचो अगर पूरा आपको दिखा दिया जाए. अगर पूरा फ्रेम देखेंगे तो ऐसे कम करके गाइड डाले और क्लोज अप चल रहा है हमारा. एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देख लें कि हीरो ऐसे खड़ा है कि मैं ऊपर से सीरियस मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता और हीरो ने ऐसे बोल रही मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा. देखने में बड़ा मजा आया एक्चुअली शॉट आए थे. अगर मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है. हाँ तब क्या होता है फिर? और फिर हीरोइन ऐसे खड़ी. तो फिल्म बनाना इतना इजी काम नहीं है. आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए. शुक्रिया. अच्छा हर कोई बाजी एक होता है कि यार मेरे पिताजी ये हैं मेरे पिताजी पुलिस में हैं या मेरे पिताजी फलाने बिजनेसमैन हैं. कभी आपने स्कूल में ऐसी कोई लाइन यूज की है? धौंस जमाई आपने किसी पे जैसे जावेद साहब की कोई लाइन यूज करके कि हम लाइन वहीं से शुरू होती जहां खड़े होते हैं. एक्चुअली जब मैं छोटा था जो उनकी फिल्म जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी वो अगर मैं आपको बताऊंगा शायद वो नाराज हो जाएंगे. वो थी क्रांति. मुझे सबसे ज्यादा क्यों नाराज हो जाएंगे? क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी है तुम क्रांति से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? उन्हें समझ में नहीं आता था कभी. तो मैं हर सुबह स्कूल जाने से पहले उठ के थोड़ी बहुत क्रांति में देखता था ताकि स्कूल में भी क्रांति हो और वापस आके मैं क्रांति देखता था. तो उसमें से बहुत सारे डायलॉग थे. जैसे एक सीन था कि जो प्रेम चोपड़ा जी थे जी तो उनका जो तकिया कलाम था वो ये था शंभू का दिमाग तो धारी तलवार है. तो ऐसी चीजें होती थी. प्रेम चोपड़ा साहब इतने क्यूट एक्टर है ना इतने क्यूट विलेन मतलब मुझे वो क्यूटेस्ट विलेन लगते हैं. पर वो इतनी जल्दी एक्सप्रेशन हर विलेन चेंज करता है जब आपके हाथ में बंदूक होती है. मतलब पहले अगर हीरो के हाथ में बंदूक आई अरे अरे जैसे इनके हाथ में एंजॉय करके करते थे अपना. पर मुझे बहुत पसंद है प्रेम चोपड़ा. पाजी आपको श्रद्धा की मैं एक और टैलेंट बताता हूँ कि ब्रिटिश एक्सेंट और रशियन एक्सेंट बड़ा अच्छा बोल लेती है. अच्छा मतलब मेरे हिसाब से रशियन है. हाँ बोलो बोलो यहाँ पे कौन सा रशिया गया? कोई इधर ही है सब. सब बोरी वाली कांदी वाली सब इधर ही है. आप मतलब किसी को समझ नहीं आएगा. मैं आपको आपके पापा का एक डायलॉग देता हूँ आपको ब्रिटिश एक्सेंट में एक बार रशियन एक्सेंट में. डायलॉग है कि क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ. My name is Crime Master Gogo. 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 I remove people's eyes and play marbles. So my name is Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs of people's eyes and I play marbles with them. Brilliant! Brilliant! Thank you. But ये शर्दा ने बोल दिया. शक्ति सर तो एक अलग स्टाइल से बोलते हैं ना. वो कैसे लगता है ना? Crime Master Gogo is my name. I will snatch your eyes and play. Russian. So,
Crime Master Gogo is my name, and I remove the marbles from... No, the eyes from your eye socket, and I play marbles. Nice. Russian mein main kar sakta hu. Russian mein karna? Main nandra sara, kostra sara, chotra sara. Gujarati mein? Main ittu so, chottu so, phavdo so, chore hu. Punjabi, Punjabi. Main ka edda ja, sona ja, pyara ja, bachcha aao. Aao. Tamil ready, you know, with Mugabe. Kharkade. Narkand inno sir, kotter. Rajasthani balloon. Maragan itu. Aji normally kya hota hai, jab aapke ghar pe mehman aate hain, hota na maa baap bulate bachcho ko, beti idhar aao, come uncle ko poem sunao. Bachcho pe bhi depend karta hai, kaise hai, ya to English bachche, padhe likhe bachche na, poem sunate hai. Beautiful skies. एक बच्चे होते जो आते सिर्फ ये देखने की मेहमान निकल गए तो हम समोसा चट करें वो मेरे काइंड ऑफ बच्चे होते हैं पर ना फरहान भाई के केस में हमने सुना कि इनका अलग था ये खुद वेट करते थे मेहमानों की मेहमान जब आते थे सबसे अच्छी बात ये जैसे आपने कहा ना समोसे के लिए वेट करना जी वो आई वाज मैं उसी तरह का बच्चा था जब मैं भी छोटा था तो कहने का मतलब बच्चा चाहे कपिल शर्मा हो चाहे फरहान अख्तर समोसे सबको हाँ आज खाना अच्छा होगा अच्छे स्नैक्स होंगे तो मैं उसी में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट उसी में था तो जब पापा के साथ बहुत ज्यादा लोग आ जाते थे जी तो फिर मम्मी कहती थी कि शायद खाना कम पड़ने वाला है क्योंकि ज्यादा मेहमान आ गए हैं एक कोड होता था FHB के फैमिली होल्ड बैक ठीक है या तो ज्यादा लोग आ गए तो मम्मी आके कहती थी हमसे FHB तो हम सब नाराज बैठे वहां पर यार सारे गेस्ट मजे ले रहे खाना वाला खा रहे तो एक FHB होता था और अगर काफी खाना था सबके लिए तो आके कहती थी FTP, मतलब था फैमिली टूट पड़ो हेलो यार तूने कहा था 3 मिनट तक आग चलेगी ये तो थोड़ी देर में बंद होगी ऐसे थोड़ी होता नहीं 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 आई वॉन्ट माई मनी बैक इससे अच्छा तो मैं अनार लगा लेता यार कौन सी मनी वही मनी जो मैंने तेरे को अभी तक दी नहीं दे मेरे ओके ओके आई शट अप सॉरी सॉरी ओह एस्टीम्ड पीपल आर हियर फ्रॉम रॉक एंड टू हाय फरहान दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ आप कैसे हैं डॉक्टर बैठिए डॉक्टर बैठिए इधर बैठिए आराम से बात करें आप ऐसे कैसे आराम पड़ेगा मेरे को हैं आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी RWBG RWBG मतलब दिख भी रहा है फिर भी पूछ रहे हो रॉक स्टार विद बर्निंग गिटार डॉक्टर गुलाटी आप क्या है लगातार बातें ही बातें किए जा रहे हैं कब से वेट कर रहे हैं आपका पता है आपको मत कर तू मेरा वेट तू अपना वेट चेक कर देख श्रद्धा की तरफ मत देख मैं देखता हूँ हाय श्रद्धा आपको पता है मैं आने में क्यों लेट हो गया हमारा ना राजस्थान में शो था वहाँ पे मैं नोट गिन रहा था उसको गिनने में थोड़ा सा लेट नोट की पेमेंट गिन रहे थे आप यस यस 12 रुपए गिनने में कौन सा टाइम लगता है आपको इससे ज्यादा कभी टिकट बिकी आपकी टिकट पे हमारा शो था ही नहीं यार हमने तो ना राजस्थान में रखा हुआ था बहुत गर्मी थी वहाँ पे शो में तो पानी की बोतल 800-800 में बिक रही थी वहाँ और वो खाली बोतल तो 2000 में बिक रही थी आपको पता नहीं क्योंकि आसपास कोई टॉयलेट नहीं थी ना मिस्टर गुलाटी ये तो आप दिए को रोशनी दिखाने वाली बात कर रहे हैं मतलब पार्टी क्या करनी लेट्स शो देम तो दिवाली खत्म हो गई आपने दिया ऊपर क्यों रखा हुआ है इट्स नॉट दिया It's lollipop. वैसे by the way, lollipop I forgot. लगाया, it was a gift. Yeah, yeah, you can have it and you can taste it like this. बहुत अच्छी है ये. बहुत अच्छी है. मैंने टेस्ट करके रखी है ऊपर. So, ladies and gentlemen, presenting this song in front of you. Gulati!
तुमने मेरी जान कर ले लेनी है चीयर कर करके मत करना है अच्छा सपोर्ट कर रही हूँ बस आप गुलाटी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.